Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @2crispies123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. Here I have the vegetable and garlic soup. यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा butter and I'm gonna pair it with some breadsticks. वहाँ पे ना लवाश का भी option था मगर लवाश लाने का मेरा मन नहीं था, so here I am with my favorite breadsticks. सबसे पहले मैं इसी try करती हूँ butter से. butter हल्का सा soft हो गया है. soft butter के साथ breadsticks enjoy करने का मज़ा ही अलग है. They are really crunchy. अब सूप भी ट्राई कर लेती हूँ. दिस इज़ द रोस्टेड गार्लिक एंड वेजिटेबल सूप. यहाँ पे ना नॉनवेज सूप में चिकन मंचाओ सूप का ऑप्शन है. काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स है सूप के. आई कैन टेस्ट द गार्लिक. यहाँ के सूप हमेशा काफ़ी डिफरेंट और इनोवेटिव होते हैं. लास्ट बार में कोई याद है क्रीम ऑफ स्पिनच सूप था और वो भी बहुत अच्छा लग रहा था. इट इज़ रियली क्रीमी एंड आई कैन टेस्ट सम कैरेट्स इन इट. इनफैक्ट इसका जो ये ऑरेंज कलर आया है ना कैरेट से ही आया है, आई एम वेरी श्योर. Now I'm gonna try the food from the salad section. Here I have the couscous salad. This is feta cheese and bell pepper salad. And here I have some more breadsticks because they are my favorite. This is some cheese. This is brie cheese. और यहाँ पे मेरे पास कुछ toasted walnuts and a piece of apricot. I love apricots by the way. Firstly, I'm gonna try the couscous salad. काफ़ी अच्छा दिख रहा था इसलिए मैं ले आई. यहाँ पे ना वेज और नॉन वेज दोनों में बहुत सारे सैलड के ऑप्शंस होते हैं, सो इफ़ यू वांट टू ईट हेल्दी दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू. कुसकुस इज परफेक्टली कुक्ड. काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसके अंदर ऑलिव डले हैं. एक बहुत अलग टाइप का ऑलिव है इसमें. मेरे को नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं मगर इसका कलर थोड़ा मरून टाइप का है. एंड देन वी हैव द ब्लैक ऑलिव. ओ नहीं, ब्लैक वाला तो इस वाले सैलड का है. दिस इज़ द बेल पेपर एंड फेटा चीज़ सैलेड. तो पहले फेटा चीज़ ट्राई करती हूँ. इनफैक्ट बेल पेपर के साथ करती हूँ तो अच्छा लगेगा. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फिरंगी पनीर टिक्का. बाद में यहाँ पे पनीर टिक्का का भी ऑप्शन है और इसके बाद मैं वो लेकर आऊँगी. दिस चीज़ इज़ रियली क्रीमी एंड सॉल्टी बाय द वे. मुझे दोनों ही सैलेड काफ़ी अच्छे लगे और मैं इन्हें कंपेयर नहीं कर सकती. आई लव देम इक्वली. अब मैं ट्राई करूँगी ब्रेड स्टिक को इस चीज़ के साथ. दिस इज़ द ब्रेड चीज़. काफ़ी क्रीमी लग रही है ये.
यहाँ पे ना बहुत सारे चीज़ के ऑप्शंस होते हैं, दे हैव हार्ड चीज़, सॉफ्ट चीज़, ये वाली सॉफ्ट वाली चीज़ है, दिस चीज़ इज़ रियली गुड। ये बताऊँ ऐसे लग रहे जैसे आपकी प्रोसेस चीज़ होती है ना वो सॉफ्ट हो गई हो, मगर ये नेचुरल है एंड दिस चीज़ इज़ एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, सो इट इज़ गुड फॉर यू। और ब्रेड स्टिक्स के साथ तो अमेजिंग लग रही है, आप इन्हें वॉलनट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है वॉलनट्स का और चीज़ का। और इधर तो है ही मेरा फेवरेट बटर, तो मैं इसे भी लगा लूँगी। सैलड्स तो बहुत अच्छे थे, अब पिज्ज़ा भी बनकर आ गया है। जस्ट लुक एट दिस, दिस लुक सो गुड, कितना क्रिस्पी लग रहा है ये, स्पेशली एजेस से। इसमें मशरूम है, येलो जुकीनी है, ग्रीन जुकीनी है, एंड नाउ जस्ट लुक एट दैट चीज़ पुल, कितना अच्छा चीज़ पुल आ रहा है इससे। और ना पिज़्ज़ा थोड़ा बड़ा तो है, मगर मैं इसे शेयर करने वाली अपनी सिस्टर से, तो हम खा ही लेंगे। तो पहले मैं उसे उसका स्लाइस दे देती हूँ जिससे कि ठंडा ना हो जाए, और फिर टेस्ट करके बताती हूँ आपको। मेरी सिस्टर ने तो ले लिया पिज़्ज़ा, सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट ईटिंग इट। ये तो लग रहा है गिर जाएगा, सो आई गेस मेरे को इसे ऐसे फोल्ड कर लेना चाहिए। बेस इज़ रियली क्रंची एज यू कैन सी दैट, कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसमें, और टॉपिंग्स भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। सॉस इज़ नॉट रियली टैंगी, बस हल्की सी टैंगी है जितनी कि होनी चाहिए, और चीज़ तो इसमें भर भर के डाल रखा है इन्होंने। वेजिटेबल्स आर रियली फ्रेश, और क्योंकि मेरे पसंद की टॉपिंग्स है इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो नहीं डाला था, तो अगर आप चाहते हो कि डला हो तो आप मंगा सकते हो। एक्चुअली आई जस्ट नोटिस कि ओरिगैनो तो है, चिली फ्लेक्स नहीं है, सो वैसे मैंने तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लिया, अगर आप चाहते हो तो आप रेड चिली फ्लेक्स मंगा सकते हो, ये ले आएंगे। बाय द वे दिस पिज़्ज़ा इज़ नॉट एग्जैक्टली थिन क्रस्ट, मगर समवॉट थिन क्रस्ट ही है, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नॉनवेज पिज़्ज़ा भी मिलता है, तो अगर आपको वो खाना है आप वो मंगा सकते हो। A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me creating more such videos.